सो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ओके सो इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जस्टे वी हैव कंप्लीटेड फ्यूचर सिंपल टेंस इफ यू हैव नॉट सीन दिस वीडियो देन लिंक हैज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन गो एंड सी फ्रॉम देयर सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द क्लास सो गाइज दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस ओके ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में चल रही होगी ओके उस तरह के सेंटेंस इसमें आएंगे इसकी भी कुछ पहचान होती है जिसको आपको याद करना है वैसे ये बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जैसा होता है बस इसके लास्ट में गा गेगी हमको लगा देना है और ये इसकी पहचान हो जाती है देखिए रहा होगा रहे होंगे रही होगी लास्ट में क्या आ रहा है गा के गी तो ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में रहा होगा रहे होंगे रही होंगी आते हैं वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाता है ओके okay? अब इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो किसी भी टेंस को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है ओके सो गाइस ये रहा इसका स्ट्रक्चर जिसमें अगर हम सिंपल टेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस विल विल के साथ बी आएगा बी ई जी हाँ विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल और विल के तुरंत बाद आ जाएगा नॉट और नॉट के बाद आएगा बी ओके याद रखिए विल और बी के बीच में नॉट आएगा और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव अगर आप बनाओगे तो विल सबसे आगे आ जाएगा देखिए विल विल के बाद प्लस सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट दिया है तो हम नॉट कंसीडर करेंगे नहीं है तो डायरेक्ट बी आ जाएगा फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ वी आई एन जी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई दोनों ही छिपे हुए हैं ओके ये मत समझिएगा कि वी आई एन जी एक अलग सी चीज मैंने लिख दी उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आई दोनों को मिक्स करके लिखा जाता है इसलिए हम उसको वी आई एन जी बोलते हैं तो ये रहे हमारे सेंटेंस सॉरी स्ट्रक्चर जिसमें हमने सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों को ही यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया है जिन्हें आप बहुत अच्छे से देख लीजिए जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स में भी इन स्ट्रक्चर को लिख लीजिए कि सिंपल का स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव का क्या है और इंट्रोगेटिव का क्या है क्योंकि तीनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं थोड़ी सी हमको हेरा फेरी बस करनी है हालांकि जो बच्चे शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो अब इतना तो समझ गए होंगे कि कहाँ पे नॉट आता है और कहाँ पे विल आ जाता है कहाँ पे विल को सबसे आगे करना है कहाँ पे नॉट लगाना है इतना वो आसानी से सीख चुके हैं क्योंकि जब नेगेटिव होता है तो नॉट लगाना है इंट्रोगेटिव होता है तो बिल को सबसे आगे लगा देना है हमको ओके चलिए ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं ओके तो चलिए बनाते हैं कुछ सेंटेंस सेंटेंस है राधा गा रही होगी राधा गा रही होगी तो देखिए, सिंपल क्या बनेगा इसका राधा सब्जेक्ट इसके बाद विल विल के बाद बी एंड क्या गा रही होगी गाना तो सिंग और आई सिंगिंग राधा विल बी सिंगिंग नेगेटिव क्या होगा राधा विल के तुरंत बाद नॉट राधा विल नॉट बी सिंगिंग इंट्रोगेटिव में विल सबसे आगे आएगा क्या राधा गा रही होगी विल राधा बी सिंगिंग क्या राधा गा रही होगी लास्ट क्वेश्चन राधा नहीं गा रही होगी अब ये नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों टेंस है तो विल राधा नॉट के तुरंत बाद बी आएगा विल राधा नॉट बी सिंगिंग क्या राधा नहीं गा रही होगी तो इस तरह से हमने एक सेंटेंस को चारों फॉर्म में कन्वर्ट किया है ओके आप जितने अच्छे से स्ट्रक्चर को याद रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कमांड बनेगी ओके चलिए इसके बाद हम कुछ और सेंटेंस भी लेंगे जहाँ पे आपको वो मदद करेंगे प्रैक्टिस करने में और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा जिनमें आपको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है ओके तो याद रखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर स्ट्रक्चर है वो मैंने नहीं रेस किया है वो मैं आपके लिए लिखा रहने दूंगा ताकि आप उसको देख ही सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सके ओके okay? स्ट्रक्चर जो कि सिंपल है इसका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस, प्लस का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ये सिंपल का स्ट्रक्चर है ओके okay? इसको देखकर ही आपको ट्रांसलेट करना है चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं प्रैक्टिस के लिए अगला सेंटेंस है मेरी माँ चाय बना रही होगी मेरी माँ चाय बना रही होगी चलिए इसको ट्रांसलेट करें जरा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके दिखाओ मुझे कितने लोगों पर बनता है ये बनाते मेरी माँ चाय बना रही होगी कोई इंट्रोगेटिव नहीं है कोई नेगेटिव सिंपल है चलिए मैं बता देता हूँ इसके आंसर है माय मदर विल बी मेकिंग टी माय मदर विल बी मेकिंग टी क्या मेरी माँ सिंपल uh, है माई मेरी माँ चाय बना रही होगी अब नेगेटिव करते हैं मेरी माँ चाय नहीं बना रही होगी तो माय मदर विल नॉट बी मेकिंग टी माय मदर विल नॉट बी मेकिंग टी मेरी माँ चाय नहीं बना रही होगी क्या मेरी माँ चाय बना रही होगी विल माई मदर बी मेकिंग टी देखिए विल को मैंने सबसे आगे लगाया विल माय मदर वी मेकिंग टी आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों को एक साथ करते हैं क्या मेरी माँ चाय नहीं बना रही होगी विल माय मदर नॉट बी मेकिंग टी विल माय मदर नॉट बी मेकिंग टी क्या मेरी माँ चाय नहीं बना रही होगी तो इस तरह देखिए हर एक सेंटेंस को हमने सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सभी में कन्वर्ट किया है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट हो रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ आपको चारों फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ हमेशा चलिए इसके बाद कुछ और सेंटेंस हैं जिनको अब आपको सॉल्व करना है ठीक है क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस सेंटेंस हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और भी ढेर सारे सेंटेंस आप अपने माइंड में बनाए कीजिए नेगेटिव भी बनाए कीजिए कभी इंट्रोटिव भी बनाए कीजिए साथ ही साथ अपने ब्रदर सिस्टर मॉम डैड के साथ भी इन सारे सेंटेंस को शेयर किया कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो है ना क्योंकि जब हम सब एक साथ मिलकर किसी चीज़ को सीखते हैं ना तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं अकेले बैठ के सीखते रहोगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और कई बार आप बोर भी होने लगोगे इसलिए कोशिश किया करो एक दो पार्टनर्स के साथ ही आप मिलकर चीज़ों को सीखें ठीक है चलिए तो कुछ और सेंटेंस देखते हैं तो ये है कुछ सेंटेंस जिनको आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है मुझे ओके ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग सेंटेंस को सही से ट्रांसलेट कर पा रहे हो या नहीं क्वेश्चन सेंटेंस uh, है आपके हम पढ़ रहे होंगे हम पढ़ रहे होंगे उसके बाद क्या राम साइकिल चला रहा होगा क्या राम साइकिल चला रहा होगा निकिता क्या कर रही होगी निकिता क्या कर रही होगी वह सागर नहीं जा रहा होगा सागर मतलब सिटी की बात हो रही है किसी लड़के का नाम नहीं है वह सागर जा रही होगी right? तो इस तरह से ये कुछ सेंटेंस मैंने आपको दिए होमवर्क के लिए जिनको आपको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कल की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस ओके और उसके बाद होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो कि मिक्स रहता है दोनों में जिसमें टाइम की बात होती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में टाइम की बात की जाती है जहां पे हम से वर्ड कंसिडर करते हैं से ओके तो गाइस ये रही आज की क्लास कोशिश करता हूं मैं आपकी क्लास ज्यादा से ज्यादा छोटी रहे ताकि आपको लंबी क्लास अटेंड ना करना पड़े और छोटी ही क्लास में आप ज़्यादा से ज्यादा चीज़ों को सीख सको और अपने माइंड में सेव कर सको ओके okay? तो ये था हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे ठीक इसी समय तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और राइट और हाँ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ ही साथ मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जो पुराने सारी क्लासेस मैंने ली हैं तो उनको भी आप जाकर देख सकते हो अगर आपने उनको नहीं देखा है और तो कल सब फिर हम इसी टाइम इस पर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय